हेलो, व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट का एक और फ्रेश एपिसोड। हाँ, तो आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल विलेज फाउंड किया था, यानी कि मतलब वैसे मैं जहाँ पे स्पॉन हुआ था वहाँ पे ही विलेज था, और मैं कल कोल ढूंढने गया था लेकिन मुझे कोल मिला नहीं था, इसलिए आज हम कोल ढूंढने जाएंगे। अरे ओ माय गॉड, बच गया मैं। मुझे ना सबसे पहले टॉर्च बना लेनी चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ, पहले सबसे पहले टॉर्च बनाऊंगा फिर यहाँ पे आऊंगा। यार अब मेरा क्या होगा, इतने अंधेरे में मैं कैसे जा पाऊंगा यार। चलते हैं, रिस्क लेते हैं। ओ माय गॉड, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। अरे वाह, चलो फटाफट से पिकेक्स से एक कॉल तोड़ता हूँ। ये मेरा पहला कॉल है दोस्तों। अबे हट, चलो दो कॉल तो मिले। वहां पे देखता हूँ, यहाँ पे थोड़े बहुत कॉल मिल जाए। हमारे पास शायद स्टोन तो है। हाँ, फर्नेस बनाने जितने स्टोन तो है। हमारे पास सिर्फ कॉल ही नहीं है, कोल। कॉल कॉल कर रहा हूँ मैं, कोल होता है वो, कोल। ओके, बहुत सारे कोल है यहाँ पे। दोस्तों मैंने शायद बहुत सारे कोल इकट्ठा कर लिया। अरे यार, इतनी जल्दी रात भी हो गई, और वैसे मैं आया किधर से था। अरे भाई मैं, अच्छा नहीं, हाँ उधर से, उधर से देखते हैं। अरे वाह, 10 कोल मिल गए। चलो पहले घर जाके टॉर्च बनाते हैं, सोते हैं, फिर खाना पकाते हैं, और फिर इधर आते हैं। रैबिट ठोकता हूँ, रुक 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 रुक, सच बोल रहा हूँ, रुक जा। मेरे को रैबिट खाना है। देख तू बहुत बुरी तरह मरेगा, इससे अच्छा आ जा। ओ शिट, एंडरमैन। एंडरमैन की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते, मैंने ऐसे गूगल बाबा से सुना है। अबे यार, यहाँ पे तो मकड़ी भी है, जल्दी घर भागो। ऐसा करता हूँ, आयरन गोलम प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो आयरन गोलम भैया। मैं कभी भी तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं करूंगा, मतलब कभी भी किसी विलेजर को नहीं मारूंगा। हाँ, पहले फर्नेस बनाते, कैसे बनती है जो मुझे आता है। ये बन गई फर्नेस। ये कैक्टस कुछ काम करनी है, और अब हमें बनानी है थोड़ी टॉर्च। थोड़ी नहीं, बहुत सारी टॉर्च। यार गाइस, ये टॉर्च कैसे बनती है, शायद ऐसे। हाँ, बन गई बन गई बन गई। मेरी टॉर्च आ जा, बस इतनी टॉर्च बहुत है हमारे लिए। अबे चलो कोई बात नहीं, पहले थोड़ा ये रखता हूँ, ये रॉ रैबिट। थोड़ा कोल इसके अंदर डालता हूँ। अरे भाई साहब, आयन गोलम ने उसको मार डाला, वेरी गुड। अबे हट ना, हाँ ये सब क्या लिखा हुआ रहा है भाई, छोड़ो। अरे अब सोना, अब सोना। अरे पहले मैं बाहर जाऊंगा। अरे मामा, हेलो, क्या स्ट्रिंग आ गई। ओ शिट, एंडरमैन मेरे पास ही क्यों है, इतने सारे मोब। आजा आजा, तू इधर आ, मेरे आयन गोलम से मिल। आना आना, आने की तो औकात नहीं है, आते आते ही जल जाएगा। ये है क्या, हाँ
पहले मुझे बहुत खाना है, खाना खाना पड़ेगा। अब फटाफट से जाऊंगा और बहुत सारा आयन, कोल, वोल सब कुछ लेके आऊंगा। चलो भागो। किधर है रे मामू? एक सेकंड, मेरे को स्केलेटन की आवाज क्यों आ रही है? नो 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 नो। अंदर दो दो क्रीपर है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होता, आपने अभी अभी तो देखा है। नो, फूट गया शायद। अबे वो बाहर आ गया यार, ये बाहर कैसे आ गया? नहीं, मुझे वो वाली केव में नहीं जाना, लेकिन ये सारी केव तो यहाँ से ही मिलती होगी ना, वो वाली केव से। ओ शिट यार दोस्तों, अब हम कैसे करें? मेरे पास तो तीर कमान भी नहीं है, वरना मैं उसे दूर से ठोकता। यार स्केलेटन की बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं, छोड़ो। मैं जा रहा हूँ थोड़ा दूर और माइनिंग करने, देखते हैं कोई और माइन है। हाँ एक है, लेकिन शायद वो उधर से कनेक्टेड ना हो, वरना। अरे वाह, ओए रुक, क्या? अबे यहाँ पे ये माइनिंग यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब वो माइन ही नहीं थी यार। अब दोस्तों मैं करूँ करूँ क्या, इस रैबिट को ही ठोकता हुआ क्या? यहाँ पे कहीं पे माइन नहीं है, और वहां पे दो दो पहले पहलेदार खड़े हैं। ऐसा करना है, फुटवा देना है, फूट जाएंगे तो अच्छा है ना। हाँ नहीं, मैं तो यहाँ पे भी जा सकता हूँ ना, उस बार मैंने कोल यहाँ से तो लिया था। सबसे पहले एक टॉर्च यहाँ पे लगाता हूँ। यार ये लग क्यों नहीं रही? मुझे कुछ खतरनाक सी आवाज आ रही है दोस्तों, जैसे कुछ उबल रहा हो, पता नहीं। मेरे अंदर का बच्चा जाग उठा है, मेरे को अब अंदर जाना ही पड़ेगा। अबे यार ये टॉर्च लगती नहीं है क्या? आगे जाना चाहिए। आगे नहीं जाना चाहिए, ये पक्की केव वहां से मिलती है। ओ माय गॉड, मेरे को ये रास्ता बंद करना पड़ेगा, इससे बंद कर दो तो याद रहे कि यहाँ पे कुछ डेंजर है। यानी कि इसके नीचे भी होगा ना, इसके नीचे भी तो फिर तो होगा। जितना कोल हो सके सारा ले लेता हूँ। वहां पे मुझे कुछ दिखा है दोस्तों, वहां पे देखो नीचे, ये रहा वहां पे, और वहां पे भी। वाह क्या खदान मिली है, अच्छी है, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। लेकिन मेरा घर किधर है? अच्छा नहीं यार, मैं हर बार अपना घर भूल जाता हूँ दोस्तों। इसका वो परमानेंट सॉल्यूशन है क्या, घर ना भूलने का? ओ शिट, क्या लगा है। ऐसा करते हैं, मैंने कल गूगल बाबा किया था, हम ना इनके पास से ट्रेडिंग करके चीजें ले सकते हैं। अच्छा इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो ट्रेडर नहीं है,
देखते हैं किसके पास कुछ हो तो। हाँ। इसके पास भी कुछ नहीं है। अबे सुन ना, इसके पास भी कुछ नहीं है यार। आधे कर तो कुछ काम बिना के ही है। इसके पास क्या है? अरे वाह, ये ट्रेडर है। अच्छा, 27 आलू से 1 एमरेट देगा। हट, पागल समझा है साले। इससे अच्छा मैं इसकी थोड़ी फसल ले लेता हूँ। वाह, अबे मेरा मेरा चीज ले ली साले ने। पूरा खेत में खाली कर दूंगा। अब तेरा क्या होगा रे फार्मर? अब तो देखो मेरे को फ्री में देना पड़ेगा। हर बार यहाँ पे आके खड़ा हो जाता पागल। मैं अपना खुद का फार्म। अरे वाह, इसके पास तो अच्छे अच्छे वाह, इसका भी फार्म पूरा खाली कर दूंगा। कहाँ गया मामू? आप क्या देंगे? अच्छा, आप 21। हमारे पास तो एक भी नहीं है। चलेगा, मैं अपने आप उगाऊंगा। मेरे को सबसे पहले दोस्तों, आज हम खेती करेंगे, तो खेती करने के लिए हमें चाहिए डर्ट। यानी कि मतलब डर्ट के ऊपर ही खेती होगी ना, रेत के ऊपर तो होगी नहीं। और ये फार्मर कैसे बच गया? नो यार, हम किसी का बुरा करने जाते तो हमारे साथ ही बुरा होता है। मतलब भाई साहब, आप कैसे बच गए? और वो सबके पास से बीज उधार ले लेके दे रहा है। ये मेरा है। हाँ, मैं यहाँ पे टैक्स लेता हूँ। हाँ, दे दो, सबको दे दो। इसे कहते हैं टैक्स लेना, टैक्स वसूली। ये कौन है? ये कौन है बे? वंडरिंग ट्रेडर। 2 एमरेड से सी पिकल देगा। ये सब क्या होता है पता नहीं, छोड़ो। हम अपने काम से मतलब रखते हैं। ऊपर जाते हैं, बहुत सारी डर्ट खोदे लेके आते हैं। अरे हमारे पास शॉवेल है तो खरी। हमें बहुत सारी डर्ट चाहिए, बहुत सारी डर्ट। अरे वाह, कितनी हुई? 26। इतनी? अभी तो हम और लेंगे। अच्छी अच्छी वाली डट लेंगे। अब कितनी हुई? 46। ओके दोस्तों, हम हमारी कैपेसिटी में आ चुके हैं। हमें इतनी ही डर्ट चाहिए थी यार। लेकिन मैंने एक चीज तो सोची ही नहीं, हमें पानी तो लाना ही पड़ेगा ना, वरना पानी के बिना तो फसल उगे मतलब ग्रो होगी ही नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते यार? और दोस्तों, पानी लाने के लिए बकेट चाहिए, और बकेट के लिए आयन। मैंने सबके पास से वीट वीट छीन लिया। भाग जाओ। एक आइडिया दोस्तों, मुझे आइडिया आ गया। अरे वाह, ये घंटी बजाओ और आइडिया पाओ। वाह, रात हो रही है। कोई बात नहीं, अभी रात हो तो हुई नहीं है। फटाफट से डर्ट लगाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छा रहेगा है ना दोस्तों? वाह, किनारे किनारे पे डर्ट लगा देंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे कल खेती, अभी सो जाते हैं। और ना हमें दोस्तों हो भी बनानी पड़ती है। हो ऐसा कुछ होता है
देखते उसकी रेसिपी ये रही। चलो बन भी गई। वाह, ये पिकेक्स कुछ काम किया नहीं। कहाँ गई ये पिकेक्स? इसे इसके बदले इसे मैं गड्ढे में फेंक दूंगा। और चलते हैं, उठ और हम सो जाते हैं। यार ये सब क्या लिखा हुआ आ रहा है? चलो, अरे वाह, उठ भी गए। चल ए भिखारी, तू पहले भाग। खुले भिखारी क्या? अरे बेचारा आयन गोलम का क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है? और दोस्तों ये क्या होता है? ये क्या है पता नहीं। अरे हानी, हमें तो अपना आज अपना खुद का फार्म बनाने का है। मैं बहुत मजा आने वाली है। कहाँ गई मेरी? होई होई होई, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। अब मैं अपना खुद का फार्म। अबे यहाँ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ। अरे भाई नीचे क्यों आ गया? यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ। अरे वाह, अब हम सीड कहाँ थे हमारे? ऐसा करते हैं, मैं ना फालतू की चीजें ना रख के आता हूँ चेस्ट में। जैसे कि ये कुछ फालतू है, ये भी फालतू ही है। ये तो सीड है, बीटरूट सीड। फिर ये कोल भी अभी हमारा कुछ काम है का नहीं है। प्लैंक्स भी अभी कुछ काम के नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर ये कुछ, ये किताब काम की है लेकिन अभी अभी काम की नहीं है, उसे रखते हैं, काम आएगा। ये क्या है? रैबिट हाइड, ये क्या होती है? देखते हैं। अरे वाह, ये रहे सीड और ये थोड़ी बहुत, ये तो काम का, ये अभी काम का नहीं है। चलो हमने अपना खाना पकाने रखा था, चलो ये भी मिल गया। और अब ये क्या होता है पता नहीं। चलो इसे देखते हैं। इसे 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 हमें पहनना होता है? कैसे पहनना होता है क्या भाई? रैबिट हाइड किस काम की? खाने की होती है? जरा देखे तो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वैसे भी हमारी भूख बहुत लगी है और मेरे को बहुत सारी ब्रेड बनानी है। जल्दी, कहाँ गए सीड? ये रहे सीड। जल्दी से उगाते। अरे वाह, देखो सारी एकदम ग्रीन ग्रीन हो गई। ये क्या हुआ है? कुशल हैज मेड द एडवेंचमेंट सीडी प्लस। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे वाह, हमारे वहां पे नहीं उगाना था यार, वहां पे पानी नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं उगाएंगे। और हमें हमारा हो ही किधर गया? हमें अपना खेत को ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। अभी मेरे पास 8 सीड है दोस्तों, सिर्फ 8 सीड। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा जब तक वो गीला होता है तब तक इन इन भिखारियों के पास से कुछ थोड़ा बहुत चुरा के लेके आता हूँ। भिखारी दे दो मुझे, भिखारी। चल तेरी एक हेल्प कर लेता हूँ, फिर मैं तेरे पास से टैक्स लूंगा क्योंकि मैंने तेरे को 1 सीड दिया है। अरे भाई तू तो अमीर है, ले तेरे को भी 1 दिया। तेरे को मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है? और भाई तेरे पास, चल तेरे को मैं टैक्स तेरे को तेरे पास से मैं टैक्स लूंगा। मैंने तेरे को जमीन खोद के दी इसीलिए, ठीक है? ऐसा करता हूँ, इसको 1 सीड दे देता हूँ। ये है क्या दोस्तों? आज तो मुझे फाइंड करके होगा। ये होता है क्या? ओ हेलो गोलम भैया,
चार क्या है, हे बिल्स, इससे क्या होता है? इससे मैं फर्नेस में पका के खाना होता है। क्या होता है? कुछ हुआ नहीं यार। क्या करूँ, क्राफ्टिंग टेबल में ले जाना होता है। क्या, ओ भाई, हे बेल्स, हे बेल्स के अंदर से वीट निकला। 1, 9, 18, 27। ओ भाई, रातों रात मैं तो अमीर हो गया। अब मैं एक एक करके, थोड़ा 10 इसके अंदर, 10 इसके अंदर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। वाह दोस्त, मुझे ब्रेड बनाने की रेसिपी आ गई। अब तो मैं आलू ही उगाऊंगा। ओ सॉरी, अब तो मैं डायरेक्ट हे बेल ले लूंगा, उससे ही हो जाएगा। लेकिन अब मैं खुद के वीट उगाऊंगा। पहले मुझे, ओए बिल्ली, अंदर क्या कर रही है? गधे ही, वो शायद मदद मांग रही है मेरे से। अब सारे सीड खत्म। ये नहीं, ये बाकी है ना थोड़े, ये बीट रूट, इसे भी डाल देते हैं। अरे वाह, सारे आ गए, सिर्फ एक ही बाकी है। मैं टैक्स लेके आता हूँ किसी फार्मर के पास से, या तो देखता हूँ कि कोई और फार्मर है क्या। 3 ही फार्मर है हमारे विलेज में, और भाई ये क्या है, ये टूटा कैसे? वाह, अच्छा स्विमिंग पूल है यार। तो दोस्तों, आपको भी ऐसी मजेदार माइनक्राफ्ट की वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।